हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके सामने एक बंगाली रेसिपी, काच की माछेर भापा। तो ये काच की माछेर भापा जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसका वो प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। और काच की माछ का जो भापा है वो हमने गरम गरम राइस के साथ खाया, और ये गरम गरम राइस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए हम लोग वो देख लेते हैं प्रोसेस क्या है इसका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो काच की माछेर भापा बनाने के लिए हमें चाहिए काच की माछ। तो मैंने यहाँ पर लिया था 250 ग्राम के बराबर काच की माछ, और इनको देखिए इस तरीके से मैंने धो लिया था साफ करके। इसमें हल्का सा नमक और हल्दी लगाकर इसे मैरिनेट किया था। और अब हम लेंगे इसका आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग जार में लिया है मीडियम साइज के बराबर एक प्याज, 3 हरी मिर्च, साथ में ऐड करूंगी इसमें गार्लिक क्लोव्स। तो 7-8 गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं मैंने इसमें। इनको मैं एक पेस्ट बना लूंगी, और जैसे ही ये एक पेस्ट बन गया तो मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच के बराबर मस्टर्ड सीड्स पाउडर, 1.5 चम्मच के बराबर दही और हल्का सा नमक, और इनको अच्छी तरीके से एक बार और मिक्स कर लिया था। और देखिए इस तरीके का पेस्ट बना है। तो काच की माछ को और पेस्ट को मैंने एक बॉक्स में रखा है, तो इसी बॉक्स में हम बनाने वाले हैं। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। तो पेस्ट के साथ मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी, तो 1/2 चम्मच से भी बराबर मैंने इसमें हल्दी लिया है, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने लिया है इसमें लाल सूखी मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च हल्का सा कलर के लिए, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है नमक। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कच्चा मस्टर्ड ऑयल। तो भापा जब बनाते हैं तो कच्चा मस्टर्ड ऑयल ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी फिश के साथ। तो इस तरीके से मिक्स कर लिया है, इसे हम बंद कर देंगे और कुकर में हम इसे स्टीम देंगे। वो भी मैंने इसे स्टीम दिया था 40 मिनट्स के लिए। तो 40 मिनट्स में, क्योंकि मीडियम से लो फ्लेम तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम मैंने इसको इस तरीके से पकाया। तो धीरे धीरे हम इसे टाइम देकर ही पकाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी करेंगे तो ये बहुत अच्छे से नहीं पक पाएगा, और जो अंदर के जो भी प्याज है, गार्लिक है, वो सबका एक कच्चेपन का फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए हमें इसे थोड़ा टाइम देकर ही पकाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको टाइम दिया था एटलीस्ट 35-40 मिनट का। और अब ये बनकर रेडी है, तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लेट में इसे सर्व किया है, तो आप देख सकते हैं काच की माछेर भापा कितना टेस्टी बना है। आप देख भी सकते हैं इसको, और आप अपने घर में इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप चाहे तो इसे पातुड़ी की तरह भी बना सकते हैं, और इस तरीके से भापा भी बना सकते हैं। और इसके और भी तरह की रेसिपीज होती हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये काच की माछेर भापा की रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।